अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब यहाँ पे गर्मी जो है वो ज़रा ज़ोरों पर जा रही है और तो इसलिए आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ी। तो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ कि हम कुल्फ़ी घर पर कैसे बनाते हैं। तो जनाब यहाँ पर जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है, जस्ट चार इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए, जिनमें ब्रेड है 2 अदद ब्रेड और 50 ग्राम मक्खन लिया है मैंने, गाढ़ा दूध 1 लीटर और लजीज़ा कुल्फ़ी मिक्स का जो है वो 1 पैकेट लिया है। और सबसे पहले जो है देगची चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसमें मैंने 1 लीटर जो है वो दूध शामिल किया है। दूध जो है वो गाढ़ा होना चाहिए, पतला दूध बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। जब तक दूध बॉयल हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कुल्फ़ी मिक्स का ये पैकेट मंगवाया था मैंने, इसमें से 2 मोल्ड जो हैं वो हमें मिल गए हैं फ्री में। तो ये भी हो गई है हमारी सहूलत। वैसे हमने लेके भी रखे हुए हैं क्योंकि वक्तन फवक्तन कुल्फ़ी जो है वो घर में बनती रहती है, तो मोल्ड होने चाहिए घर में। तो ये भी 2 हमें फ्री में मिल गए हैं। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपने बनाना हो कुल्फ़ी तो जल्दी से निकाल लें पैकेट और कुल्फ़ी बना लें, ये फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पर दूध जो है वो उबलने ही वाला है, अच्छी तरह से ये गर्म हो गया है। तो इस स्टेज में अब इसमें हम शामिल करेंगे मक्खन। 50 ग्राम ये मक्खन है और 2 बड़े खाने के चम्मच होता है। जब इसको हम शामिल करेंगे दूध में तो आँच जो हल्की कर दें थोड़ी सी, दरमियानी आँच पे इसको बस ना चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करते रहें जब तक ये डिज़ोल्व नहीं हो जाता अच्छी तरह से और दूध के साथ ये मिक्स नहीं हो जाता जब तक, तब तक। ये देखिए आप तकरीबन 5 मिनट में ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मक्खन सारा दूध में। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे जो कुल्फ़ी मिक्स है लजीज़ा वालों का। ये और किसी कंपनी का मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ, तो लजीज़ा वालों का जो है ये बेस्ट है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी। अब इसको हम पहले थोड़ी तेज़ आंच पे इसको मिक्स करेंगे, जब इसमें 1 बॉयल आ जाएगा तो हम आंच जो है वो कर देंगे हल्की और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। तो जब ये थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा सा लिक्विड हो जाएगा तो उस वक्त हम कर देंगे चूल्हा बंद। ये आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। पंखे के नीचे रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, हवा के नीचे वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। मैंने असल में जल्दी इसमें डाल दिया है क्योंकि माँ जो है वो उसको बहुत जल्दी थी कि जल्दी से कुल्फ़ी बन जाए, तो इस वजह से आप इसको थोड़ी ज़्यादा देर ठंडा कर लीजिएगा। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद ब्रेड, रफली आप इसको काट के तो डाल सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि एक स्मूथ सा जो है वो लिक्विड सा बन जाए। आप इसको थोड़ी ज़्यादा देर ठंडा करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे जनाब ये हो गया है ब्लेंड और ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। तो ये देखिए आप, ये ना थोड़ा थिक हो गया है, बहुत ही प्यारा सा स्मूथ सा जो है वो बन गया है ये लिक्विड। अब हम इसको मोल्ड्स में शामिल करेंगे और फिर इसको रख देंगे फ्रीज़र में। और ये जो मोल्ड है ना ये मुझे मिले थे जनाब गिफ्ट, और इसके अलावा मैंने ख़ुद भी ले के रखे हुए हैं, तो ये मुझे गिफ्ट मिले थे। मैं इनको फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करने लगी हूँ, पप्पो ने मुझे ये गिफ्ट किए थे, प्लास्टिक के हैं तो मैंने इनको पहले अच्छी तरह से धोया है और उसके बाद मतलब मैंने तो इनको 2 मरतबा धो के और अच्छी तरह से इनको क्लीन करके मैंने रखा था कि जब मैं बनाऊंगी फ़र्स्ट टाइम कुल्फ़ी तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये वाले जो है मोल्ड ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, जो पुराने वाले थे वो बस फारिग हो गए हैं समझे, क्योंकि बच्चे खाते हैं तोड़ देते हैं चीज़। तो इस तरह से आपके पास जितने भी मोल्ड हों आप उसमें ये आइसक्रीम कुल्फ़ी शामिल करके लिक्विड जो है इसका ये शामिल करके तो इसको फ्रीज़र में रख दें। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था क्योंकि ये मैंने बनाई थी शाम को, तो इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था, तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के बन गए थे।
तो अगर आप दिन में बनाते हैं तो आप इसको रख दें, शाम तक ये रेडी हो जाएगा। ऐसे ये फ्रीज़र की जो कूलिंग होती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जनाब, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टा का नेम आ रहा है। तो जनाब, जल्दी से आप जाएं और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लें, और अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं मैसेज करके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और यहाँ मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, किसी की भी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को 1 से 1.5 मिनट के लिए देखकर फिर उसके बाद आप कमेंट करें, क्योंकि मैंने असल में वो क्लिप लिए हुए हैं। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं आप लोगों के जो चैनल है उन तक क्यों नहीं पहुँच पाती, क्यों नहीं आप लोगों को अप्रोच कर पाती, क्योंकि आपके जो कमेंट जो हैं वो स्पैम चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उस पर इतने कमेंट जो हैं वो स्पैम होते हैं, तो जो स्पैम कमेंट होते हैं उनको मैं बिल्कुल भी नहीं करती रिप्लाई। तो इस वजह से उन सब लोगों से माजरत है जिनको मैंने अभी तक जो है वो रिप्लाई नहीं किया। इसकी मेन वजह यही है कि आप सबके कमेंट जो हैं वो स्पैम चले गए हैं, क्योंकि जो कमेंट स्पैम नहीं होते मैं वो सारे कमेंट पढ़ती हूँ और उनको बकायदा उनका चैनल विज़िट करती हूँ और उनकी वीडियोस भी देखती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखा करें, किसी भी चैनल पे आप जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरा चैनल, किसी भी चैनल पे जाते हैं तो आप प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करें। और जनाब, यहाँ पे ये जो है कुल्फ़ी वाला लिक्विड, ये मैंने मोल्ड्स में शामिल कर लिया है, और ये जो दो हमें मोल्ड फ्री में मिले थे कुल्फ़ी मिक्स के डब्बे में से, तो ये भी मैंने शामिल कर दिया। ये देखिए, अब काफ़ी सारी जो है वो कुल्फियाँ बन गई हैं पूरी फैमिली के लिए, आराम से जो लोग पूरी फैमिली है ना वो इंजॉय कर सकती है। तो इनको जनाब अभी मैं रख दूँगी ओवरनाइट के लिए फ्रिज में, क्योंकि ये मैंने रात के टाइम, तकरीबन रात का ही टाइम हो गया था तो उस टाइम बनाए थे, तो फिर मैंने ओवरनाइट रख दिए थे और सुबह जो है फिर इसको निकाल के मैंने किया था सर्व। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहें तो इसमें चॉकलेट भी शामिल कर सकते हैं, या जो काकाओ पाउडर होता है वो आप इसमें शामिल कर दें। और ये ओवरनाइट जो है मैंने फ्रिज में रखी थी, और उसके बाद मैंने सुबह जो है ये सर्व करने के लिए निकाली हैं। तो ये आप देखें, मज़ेदार किस्म की जो है कुल्फियाँ हो गई हैं तैयार। तो जनाब, आप कुल्फियों को ज़रा देखें और देख के ही इंजॉय करें, और मुझे दीजिए यहाँ पे इजाज़त। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।